में पेट्रोलिंग कर रही है, गश्त कर रही है, और अतीन सब डिवीजन में शांति बनी हुई है और हम चाहते हैं कि आगे भी ये शांति बनी रहे। इसीलिए इन सरपंचों को बुलाया था और इनसे आग्रह किया है कि वो भी अपनी गांव गांव जाकर जो यूथ है, जो और हमारे गांव के लोग हैं, उन सभी को ये बातें समझाएं ताकि किसी भी प्रकार की स्थिति उत्पन्न ना हो। अच्छा, इस मामले में मुद्दा आज शराब ठेके के मामले तो क्या शराब ठेके जिले में बंद कराए जाएंगे या किन से चलेंगे? ये हमने DC मैडम से रिक्वेस्ट किया हुआ है कि वो DTC के माध्यम से जो ज़िले में ठेके बंद कराएं ताकि कुछ लोग जो शराब पीकर उत्पाद मचाने की जो प्रवृत्ति रहती है उस पर अंकुश लगाया जा सके। अभी सेंसिटिव मामला है तो उससे कि जो हमारी कोई भी घटना वो उसमें रोकने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो फिलहाल अपने हतीन में कितनी फोर्स है? हमारे हतीन में हमने 3 कंपनियाँ टोटल हमने फोर्स वहाँ पर डिप्लॉय कर रखी है, जिसमें हमारी CRPF भी है, RAF भी है और जो लोकल फोर्स है वो भी यहाँ पर डिप्लॉय है। एक सर, ये पलवल में एक दो जो इंसिडेंट हुए हैं उनमें क्या कार्रवाई चल रही है, कितने मुकदमे दर्ज किए गए? अभी तक हमारे टोटल 18 मुकदमे दर्ज हुए हैं और उसमें 5 लोग हमने अरेस्ट किए हैं, कुछ 7-8 लोगों पे हमने प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया है। बाकी जो मुकदमे हैं उनमें हमने टीम्स लगा रखी हैं, वो लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट करने के लिए लगातार रेड कर रही है।